इनके अद्भुत अद्भुत इनकी लीला है, अद्भुत अद्भुत इनके दिव्य कथा है। हम थोड़ी समय कोशिश करेंगे इनकी महानता को सुनने के लिए। श्री कुंती माता श्री कृष्ण को कहती है, बोले कृष्ण जिसको पास में चार चीज होना वो कभी तेरा भजन नहीं करता है। चार चीज नहीं, अगर जिसके अंदर एक भी गुण आ जाए वो तेरा भजन नहीं करेगा। बोले चार चीज क्या है? बोले जन्म ऐश्वर्य सुत श्रृंगी रेत मान मद मान। कभी ये चार चीज में अगर एक गुण आ जाए ना, कहते प्रभुता पाई और काम बदना है। चार में एक चीज आ जाए तो भजन करेगा नहीं। बोले पहला नंबर क्या? बोले जन्म। दूसरे नंबर बोले ऐश्वर्य। तीसरा नंबर श्रुत ज्ञान और चौथा नंबर श्री। लेकिन हम देखते हैं हमारे गुरु जी के अंदर में ये चार वस्तु संपरिपूर्ण रूप में गुरु जी के अंदर में था। जैसे जन्म, गुरुदेव कहाँ पर जन्म हुए हैं? गुरुदेव साधारण जगह पर जन्म हुए, वो बिहार का बक्सर में जन्म ग्रहण करे। ये बक्सर क्या है? कहते श्री हमारे जो ऋषि हमारे विश्वामित्र ऋषि की वो यज्ञ भूमि है, जहां पर राम लक्ष्मण सीता वनवास में जहां पर वहां पर निवास किया है। इसलिए जो स्थली में गुरुदेव जन्म ग्रहण किए वो अत्यंत अत्यंत पवित्र स्थली था ऋषि की। और कौन सा वंश में जन्म हुए? साधारण वंश में नहीं, ब्राह्मण कुल में। बोले साधारण ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण में भी नीचा जाति ऊंचा जाति होता है। हमारे महाराज जो जन्म ग्रहण किए उच्च ब्राह्मण घर में जन्म लिए। बोले जन्म, बोले ऐश्वर्य। बोले गुरुदेव उस समय कौन सा काम करते थे? बोले सर पुलिस ऑफिसर। आपको पता होगा भारतीयों को पुलिस ऑफिसर अगर कोई हो जाए ना, ऐसे रुपया आता है झड़ी जैसे आती है। आप नहीं चाहने पर भी आपको जोर जबरदस्ती आप रिश्वत देकर जाएंगे। हैं, और पुलिस ऑफिसर में काम करते थे मतलब पैसा की किस तरह से घर में कमी नहीं थी। ऐश्वर्य बोले श्रुत। श्रुत मतलब होता है ज्ञान। मैंने जब पहले मैं मथुरा बैठने आया, मैं पहले था पुरी में, मेरे बचपन से मेरे मन में बड़ी इच्छा होती थी हम हरिकथा सुनेंगे, हरिकथा सुनेंगे, हरिकथा सीखेंगे। मैंने कभी कभी पूछता था ऐसे कौन है जो ये हरिकथा सिखाता है। उसी समय में किसी ने कहा था एक व्यक्ति नारायण महाराज नामक एक व्यक्ति वो मथुरा में रहते हैं, मथुरा में सारे बच्चों को हरिकथा सिखाते हैं एक नारायण महाराज। केवल मैंने पहली ये बात हमने सुना था, लेकिन जब किसी कारण से मैं मथुरा मठ में आया सचमुच से देखा, जैसे हर गौड़ीय मठ में देखो ना केवल एक बार ही कहीं हरिकथा होती है। जब मैंने मथुरा मठ में आया देखा कथा की गंगा की नदी बह रही है वहां पर। मैंने मेरी अनुभूति की बात में बता रहा हूँ, नदी बह रही थी। अगर कोई गुरु वर्ग का तिथि आए तो मैं स्वयं देखा गुरुदेव चार चार बार बैठ करके स्वयं कथा करते थे, चार चार बार सवेरे एक बार, उसके बाद में फिर 10 बजे बैठते थे बैठ करके जैसे पुष्पांजलि देते हैं, फिर शाम को फिर 4 बजे बैठते थे, उसके बाद में फिर जब आरती हो जाती है संध्या आरती उसके बाद में गुरुदेव फिर बैठते थे गुरुदेव। उसी समय गुरुदेव स्वयं नहीं बोलते थे, जो ब्रह्मचारी होते थे सन्यासी होते थे उनको बोलते थे तुम हरी कथा बोलो, तुम हरी कथा बोलो, तुम हरी कथा बोलो। इसलिए गुरुदेव सबको उत्साह दे करके हरी कथा की शिक्षा देते थे। देखो ये मेरी अनुभूति है, दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में अगर थोड़ी सी कोई हरी कथा सीखने की कोशिश करे, थोड़ी सी श्लोक सीखने के लिए कोशिश करना, जो सीनियर होते हैं वो टांग खींचने के लिए कोशिश करते हैं। अगर ये हमसे ज्यादा नहीं सीख जाए, इसका नाम नहीं हो जाए, लेकिन केवल मैं मथुरा में आकर के ये चीज को देखा, केवल गुरु जी के अंदर भी ये चीज आकर के देखा, जो हरी कथा की विशेष रूप में बोलते थे गुरुदेव उसको विशेष प्रेम करते थे, विशेष प्यार करते थे। गुरुदेव कहा करते थे ये मठ मंदिर ईंट पत्थर ही गुरु जी का सर्वस्व नहीं, गुरुदेव का जो भावना है, जैसे हर पिता चाहता है गुरु जी का भाई, हर पिता चाहता है पिता जो बिजनेस करना है बाद में वो बिजनेस को ठीक ठीक रूप में कोई बच्चा चला दिया। हमारे भक्ति जगत में असली बिजनेस किया हमने महापुरा वाणी महाप्रभु की धारा। हर गुरु वर्ग यही आकांक्षा लेते हैं मेरे बाद में महाप्रभु का जो शुद्ध वाणी को कौन आगे बढ़ा पाए। अगर गुरु वर्ग ये चीज को देखते हैं गुरुदेव सबसे ज्यादा गुरु वर्ग उसमें प्रसन्न सबसे ज्यादा होते थे। इसलिए केवल हमने महाराज जी को देखा इस चीज के अंदर में जो हरी कथा सीखते हैं उनको पर में गुरु जी की विशेष दृष्टि थी। इसलिए मैंने जब मथुरा मठ में आया जब एकदम नया नहीं आया था, मेरी उम्र लगभग 20 साल होगा, एक दिन गुरु जी ने बोले तुम हरी कथा बोलो। बोले गुरुदेव मैं कुछ बोल नहीं सकता, अभी मैं नया नहीं आया था,
गुरुदेव बोले मेरे आदेश तू पालन करूंगा, तेरे आदेश में पालन करूंगा। देखो गुरुदेव का कितना चेष्टा है। गुरुदेव बोलते देखो जब किसी गुरु वर्ग के चरण में हम पुष्पांजलि देते हैं, हरिकथा बोलते हैं, हरिकथा नहीं केवल उनके चरण में एक पुष्प चढ़ाना, कोशिश करो उनके चरण में भक्ति ब्रह्म ठाकुर का सीधा बोले एक पुष्प अर्पण करने के लिए कोशिश करो। फिर मैं खड़े होकर के फिर हिंदी इतना अच्छा नहीं, फिर बंगला जाकर हमारा भाषा उड़ीसा है, इसलिए मैंने किसी तरह से थोड़ी कथा का सुना लेकिन शरीर से ना पसीना पसीना रह गया सबके साथ इतना। फिर आया बलदेव परंपरा देखी गुरुदेव एकदम शाम को फिर गुरुदेव बैठे तीन बार कथा करके, और गुरुदेव बोलते थे पहला व्यक्ति जो चीज को बोल देगा बात उसको रिपीटिंग नहीं करना, नया बात बताओ। पहले तो दो तीन व्यक्ति को खड़े कर दिए, अभी कुछ बचा है मेरे को बोले रसायन तो तुम बोलो। बोले गुरुदेव सब तो बोल दिए, गुरुदेव मेरे को इतने टांग लगाए बोले घर का खाना नहीं मिलता था, तुमने पिता माता की सेवा तो धोखे देकर वहां पर आया, पिता माता की सेवा तुमने नहीं की वहां भी धोखे दिए, और यहाँ पर आकर के भी गुरुवर्ग को धोखे दे रहे हो, किस लिए मंदिर में आया, खाने और सोने के लिए आया? सबके सामने गुरुदेव कृपा से आंख लगाएगा, मैं तो इतने शर्मिंदा हो गया। उसको देखो गुरुवर्ग का शासन कितने कल्याणदायी, देखो गुरुवर्ग जब शासन करते हैं, मैंने ना एक बार गुरु जी की डांट को लगता जब देखता था पंचायत में कौन गुरुवर्ग का तिथि कब आएगा, मैं देखता था और जो गुरुवर्ग का तिथि है उसको मैंने पढ़ना शुरू करता था। ऐसे करते 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 मैंने फिर उसको बाद में ऐसे कथा बोलना शुरू किया, कोई भी तिथि आता था गुरुदेव मेरे को सबसे पहले खड़े करते थे, मेरी कथा का सबसे पहले गुरुदेव मेरे को खड़े करते थे। मतलब गुरुवर्ग अगर कोई शासन करते हैं उनका शासन में कितने शक्ति है, शासन नहीं वो कृपा करते हैं गुरुवर्ग। इसलिए गुरुदेव ऐसे उन्होंने गुरुदेव ऐसे बच्चों को उन्होंने हरिकथा सिखा दिया करते थे गुरुदेव। हम गुरुदेव को उदाहरण देते हैं जैसे गुरुदेव जैसे श्री जीव गोस्वामी का हम उदाहरण देते हैं, एकदम जीव गोस्वामी और जैसे श्री जीव गोस्वामी के चरण में आए कौन, नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास तीनों आए, ये कोई भी गुरुदेव का शिष्य नहीं कोई भी नहीं थे, लेकिन जीव गोस्वामियों ने उनको तीनों को उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा दिया, और तीनों ने एक दिन संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी को उन्होंने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। ठीक उसी तरह श्री गुरु जी की चरण में ठीक ऐसे आदर्श देखने को मिलता है। देखो गुरुदेव एक जो महापुरुष ने लक्षण किया है अक्सर करके दुनिया में देखना कभी ये मेरे चेला वो इसका चेला, वो इसका चेला उसका चेला बात मत करो, हाँ ये मेरे चेला वो मेरे चेला, लेकिन गुरुदेव कहते अयम नीच पर गई थी गणना लघु चत साम उदार चरित्र मना तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरे ये तेरे कौन ही सो बात करना है जिसका हृदय बहुत छोटा है, लेकिन उदार चरित्र मना तो वसुधैव कुटुंबकम, गुरुदेव का हृदय इतने महान था वो सारा दुनिया को अपना परिवार समझते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी नहीं सोचे वो इसका शिष्य ये इसका शिष्य ये इसका शिष्य। गुरु जी के चरण में जो कोई आए गुरुदेव ने सबको उन्होंने हरि कथा की शिक्षा दिया। देखो जैसे मैं कहीं और इसका शिष्य हूँ श्री भक्ति वेदांत से, जैसे हम वहाँ पर दामोदर महाराज गए, वहाँ पर श्री पद्मनाभ महाराज और स्वामी महाराज से मैं भी वहाँ स्वामी महाराज से आए, और श्री भक्ति वेदांत सिद्धार्थ महाराज से भक्ति प्रमोद पुरी को स्वामी महाराज से आए, मधुसूदन महाराज भक्ति जीवन जनार्दन महाराज से आए, सचमुच से गुरुदेव इन्हों को ऐसे उन्होंने शिक्षा गुरुदेव ने दिया, ऐसे गुरुदेव ने शिक्षा दिया जैसे जीव गोस्वामी ये तीनों को तीन दिशा दिशा में भेजे, और ये तीनों व्यक्ति संपूर्ण दुनिया में भगवत प्रेम को प्रचार किया। उसी तरह श्री गुरुपाद पद्म भी महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी पे आचित नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विवरणा, कभी महाप्रभु का भविष्यवाणी था एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण विश्व में महाप्रभु का वाणी गली गलियों में शहर शहर में सब लोग आनंदित होकर के बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव ने अगर ये वाक्य को संपूर्ण रूप में गुरुदेव ने सक्सेसफुल किया है, देखो अभी संपूर्ण विश्व में गुरुदेव का सारे शिष्य भी संपूर्ण दुनिया में सारे शिष्य भी प्रचार करते हैं, सारे शिष्य गुरुदेव का दुनिया का अगर कोई श्रेष्ठ रूप में प्रचार करते गुरुदेव का शिष्य लोग भी प्रचार कर रहे हैं, इसलिए एक जीव गोस्वामी का आदर्श है। और केवल इनकी जो संन्यास की तो बात छोड़ दो, इनकी जो संन्यास लिए हुए महाराज से वो तो इतनी अच्छी कथा करते हैं, बोले संन्यास की बात छोड़ दो उनके जो शिष्य में जो ब्रह्मचारी लोग है
आप सोच नहीं सकते कि ब्रह्मचारियों ने इतने सुंदर सुंदर हरि कथा बोलते हैं, जैसे बंसी भद्र प्रभु, उद्धव प्रभु, विजय प्रभु, आप लोग सब नाम सुने होंगे। इन लोग कितने कदे, इनके ब्रह्मचारी की बात छोड़ दो, इनकी जो भक्त लोग गृहस्थ में रहते हैं, ये लोग इतने कथा हमारे अभी संजय प्रभु कथा सुन रहे थे, और हमारे श्री रोहिणी सिद्ध प्रभु का कथा सुन रहे थे, और आप लोगों ने रामचंद्र प्रभु का जानते हो, और जितने 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 गुरुदेव का